हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ इस कुर्ती की सिलाई का वीडियो शेयर कर रही हूँ। इस कुर्ती की कटिंग मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताई थी और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि उसमें मैंने काफी सिंपल तरीके से इसे कट किया है। तो चलिए अब हम इस कुर्ती को सिलना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रंट पार्ट के ऊपर वाले पार्ट्स लेंगे और इनमें मैं अब प्लेकेट्स बनाऊंगी। आपको याद होगा कि हमने इसमें सेंटर से 5 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था, जिसमें से 1.5 इंच हम प्लेकेट के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पे प्लेकेट को पहले एक बार आधा इंच मोड़ना है और उसके बाद 1 इंच मोड़ना है और फिर मोड़कर सिलाई लगा लेना है। तो इस तरह से दोनों प्लेकेट हम बनाएंगे, लेकिन इनमें हम बकरम लगाएंगे। तो इसके लिए मेरे पास 1 इंच का बकरम है, इसे फ्यूजिंग भी कहते हैं। और इसमें जिस तरफ छोटी छोटी सी डॉट्स होती है, वो साइड हम कपड़े पर रखकर प्रेस से इसे चिपका सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, मैंने आधा इंच का कपड़ा छोड़कर फिर इसे रखा है और इस तरह से दोनों साइड मैंने इसे चिपका लिया है। अब ये जो आधा इंच का कपड़ा हमने छोड़ा है, इसे हम एक बार फोल्ड करेंगे और फिर जितना चौड़ा बकरम है उस चौड़ाई में हम इसे फिर से फोल्ड करेंगे और फिर इस पे अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। तो ये एकदम सेट हो जाते हैं और फिर इन पे सिलाई भी लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम इसमें पिंटक्स के निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर प्लेकेट फोल्ड करने के बाद प्लेकेट साइड से ही हम निशान लगाएंगे। तो हमें यहाँ से 4.5 इंच पर निशान लगाना है और 4.5 इंच का निशान हम ऊपर नीचे लगाने के बाद यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे और इस लाइन के बाद 1.5 इंच डिस्टेंस पर एक लाइन खींचनी है और उसके बाद फिर से 1.5 इंच पर एक और लाइन खींचनी है। तो इस तरह से 1.5 इंच के डिस्टेंस से हमें दो लाइन और खींच लेनी है और कटिंग करते समय हमने जो लाइन खींची थी उसे हम कट कर देंगे और जो अभी 3 लाइन खींची है इन पर हम पिंटक्स लगाएंगे। तो यहाँ पे हम आधा आधा इंच चौड़ी पिंटक्स देंगे। तो इस तरह से 3 इंच का कपड़ा हमारा पिंटक्स में जाएगा। और अब दूसरे तरफ भी हमें 4.5 इंच की दूरी पर पहली लाइन और फिर उसके बाद 1.5 इंच दूरी पर दो लाइन और खींच लेना है। अब जो बकरम पर गले की पट्टी हमने कट की थी उसे हम कपड़े पे चिपकाएंगे। तो इसके लिए मैंने ये बचे हुए छोटे कपड़े लिए हैं, इसमें ये आ जाएगा। अब हम इसमें सेंटर से 4 इंच की ब्रॉडनेस पर निशान लगाएंगे और फिर इसे प्रेस से चिपका लेंगे और जो नीचे का साइड है वहां से हम इसे फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हम प्लेकेट पे सिलाई लगाएंगे। तो इसे एक बार आधा इंच और एक बार 1 इंच फोल्ड करके पहले एक सिलाई लगाएंगे और फिर किनारे से एक और सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से ये राइट साइड की प्लेकेट बनके तैयार हो जाएगी और ये ऊपर की साइड होती है। तो इस पर या तो हम काज कर सकते हैं या फिर हम इसमें हुक लगा सकते हैं। अब हम इसमें पिंटक्स देंगे। तो यहाँ पर मैंने पहली जो लाइन खींची थी उस पर हम मोड़ेंगे और इस तरह से आधा इंच कपड़ा दबाते हुए सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से 1 इंच का कपड़ा एक पिंटक में जाएगा और अब इस तरह से इसे अच्छी तरह से नीचे से प्रेस करते हुए फिर दूसरी लाइन पर हमें फोल्ड करना है और फिर इस पर भी हमें आधा इंच का कपड़ा दबाते हुए सिलाई लगा देना है। और सिलाई लगाते समय हमें ध्यान रखना है ये जो पहले वाली पिंटक है उस पर सिलाई ना आ पाए। तो आपको याद होगा हमने 1.5 इंच स्पेस इसीलिए लिया था बीच में। तो 1 इंच का कपड़ा हमने पिंटक के लिए लिया था और आधा इंच का कपड़ा पिंटक को फ्लैट करने के लिए स्पेस लिया था। अब इसी तरह तीसरी लाइन पे भी फोल्ड करके आधा इंच पे सिलाई लगा लेना है और फिर इसके बाद इस पे अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है ऊपर और नीचे साइड दोनों से, जिससे कि ये बहुत अच्छी तरह से लुक देंगी। अब हमें दूसरा साइड भी इसी तरह से तैयार कर लेना है। तो अब इसकी प्लेकेट पे भी हमें सिलाई लगा लेना है और फिर इसमें भी हमें पिंटक्स डाल लेना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 5 इंच में से 1.5 इंच मेरा प्लेकेट में कवर हो गया और जो 3 इंच का कपड़ा है उससे मैंने पिंटक्स बना ली। तो इस तरह से 4.5 इंच का कपड़ा इन सब में यूज हो गया और बाकी का आधा इंच से मैं क्या करूंगी वो आप पूरा वीडियो देखिए तो आपको पता चल जाएगा। अब इसका हम गला बनाएंगे। तो मैंने जो पट्टियां चिपकाई थी गले की, तो इस तरह से देखिए मैंने मोड़कर नीचे से सिलाई लगा ली है और हमने बकरम पे भी आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था। तो इस तरह से आधा इंच यहाँ पे फोल्ड कर देना है कपड़े को और बकरम को भी और फिर इसमें इस तरह से सेफ्टी पिन लगा लेना है और फिर गले के शेप में सिलाई लगा देना है। तो इस तरह से दोनों साइड के गले में हमें आधा इंच का कपड़ा सेंटर से मोड़ना है और इसमें भी सेफ्टी पिन लगा देनी है ताकि ये गला यहाँ वहाँ ना हो।
तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने दोनों साइड के गले को बनाने के लिए दोनों पट्टियों को इस तरह से सेंटर से आधा इंच छोड़ते हुए रखा है, और अब इनमें बकरम के बिल्कुल साइड से गले के शेप में सिलाई लगा दी है। और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए हमें इसी शेप में इसे कट कर देना है, और फिर जो गोलाई है उसमें भी छोटे छोटे से कट लगा देना है, और फिर इस पट्टी को पलट के पट्टी के ऊपर सिलाई लगा देनी है, और फिर इसे पीछे साइड हम मोड़ देंगे, और जो सामने की तरफ हमने आधा इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है पट्टी पर, वो भी हम देखिए सामने से इसे फिनिश करेंगे, और फिर इसे अंदर साइड इस तरह से मोड़ कर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे मैं बड़े बड़े टाकों की सिलाई लगा रही हूँ क्योंकि बाद में मैं इसमें हेमिंग करूंगी। और अब इसी तरह से हमें दूसरे साइड का भी गला रेडी कर लेना है। तो इस तरह से देखिए दोनों साइड के गले हमने बना लिए हैं, और अब दोनों साइड की पिंटक्स को दोनों के अपोजिट साइड फोल्ड करते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेनी है, जिससे कि ये अच्छी तरह से सेट हो जाएंगी। और अब इसके बाद हम बैक पार्ट लेंगे और उसको इस तरह से रखेंगे, और उसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट के ऊपर वाले दोनों हिस्से रखेंगे, और जो बैक साइड का जो नेक है उसमें हम आधा इंच का साइड से छोड़ते हुए फ्रंट पार्ट के नेक रखेंगे। और देखिए यहाँ पे मैंने आधा इंच सेंटर से बाहर निकाला है और ये बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो गया है। साइड से देखिए बिल्कुल बैक पार्ट के बराबर आ रहा है, और ये जो सेंटर से आधा इंच का कपड़ा है ये वही है जो मैंने आपको बताया था, 5 इंच में से 4.5 इंच हमारा प्लेकेट और पिंटक्स में कवर हो गया था, और जो दोनों में आधा इंच एक्स्ट्रा है सेंटर से वो मैंने प्लेकेट की ओवरलैपिंग के लिए लिया था। तो पहले मैंने यहाँ पे लेफ्ट वाला पार्ट रखा और उसके ऊपर मैंने राइट वाला पार्ट रखा, और ये जो प्लेकेट है वो दोनों प्लेकेट एक दूसरे के ऊपर रखी। तो इस तरह से मैंने लेफ्ट वाली प्लेकेट के ऊपर राइट वाली प्लेकेट रखी है। तो इस तरह से 1 इंच प्लेकेट की ओवरलैपिंग में चला गया है। अब हम इसमें नीचे से सिलाई लगा लेंगे और फिर फ्रंट पार्ट का नीचे वाला पार्ट इसमें जोड़ेंगे। तो ये जो कमर का हिस्सा था वहाँ पे हमने ऊपर की तरफ सेंटर में जो कट लगाया था वो कट हमें प्लेकेट के सेंटर में रखते हुए इस तरह से जोड़ लेना है। तो इस तरह से देखिए ये फ्रंट पार्ट तैयार हो गया है, और ये जो राइट साइड की प्लेकेट है वो ऊपर की तरफ है, उस पर हम कांच के निशान लगा देंगे या फिर चाहे तो इसमें हुक भी लगा सकते हैं। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे स्लीव के जो जोड़ थे उन्हें प्रिंट से प्रिंट मिलाते हुए जोड़ लिया है। तो इस तरह से दोनों स्लीव्स के ये जोड़ लग गए हैं। अब हम इस तरह से इनको रखेंगे और ये चेक कर लेंगे एक बार स्लीव सही आ रही है कि नहीं। तो ये देखिए बिल्कुल सही आ रही है, आगे ये गहरा कट भी मैंने किया था। अब इसकी बॉटम जो है उसको हम फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे फोल्ड करने के लिए 1 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था, तो एक बार हम आधा इंच मोड़ेंगे, फिर दूसरी बार आधा इंच मोड़ के एक सिलाई लगा लेंगे, और फिर कॉर्नर से दूसरी सिलाई लगा देंगे, और इसके बाद हम बैक पार्ट का गला फिनिश करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये पट्टी कट की थी, और अब इस पट्टी को बैक नेक पर रखेंगे। तो सीधा साइड दोनों का हम अंदर की साइड रखते हुए इस पे सिलाई लगा लेंगे और पट्टी को नीचे साइड से फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने देखिए ये सिलाई लगा ली है, और पट्टी पे फिर ऊपर से भी सिलाई लगा ली है। और अब हमें शोल्डर ज्वाइंट करना है। तो इस तरह से मैंने दोनों शोल्डर इस तरह से मिलाए हैं कि जो बैक पार्ट की नेक की पट्टी है उसको मैंने आगे की साइड कवर किया है, और फिर इस पर सिलाई लगा देना है। तो पहले एक सिलाई पट्टी को बिना फोल्ड करके लगाना है और फिर फोल्ड करके लगा देना है। तो इस तरह से देखिए ये जो नेक है बहुत अच्छे से फिनिश हो जाता है, और जो शोल्डर का मार्जिन है वो भी पट्टी में अंदर की तरफ चला जाता है, जिससे कि नीचे की साइड इसमें बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। अब हम इसमें स्लीव ज्वाइंट करेंगे। तो हम एक बार स्लीव्स को चेक कर लेंगे कि ये बिल्कुल सही है या नहीं, कहीं छोटी बड़ी तो नहीं पड़ रही है। तो इस तरह से मैंने आगे का पार्ट आगे की तरफ रखते हुए इसे चेक कर रही हूँ, और जो स्लीव में ऊपर की तरफ सेंटर में छोटा सा कट लगाया था वो भी हमें मिला लेना है कि वो बिल्कुल जो शोल्डर है उसके ज्वाइंट पे आ रहा है कि नहीं। तो इस तरह से देखिए ये बिल्कुल बराबर आ रही है, और फिर इसे सिलाई लगाकर जोड़ लेना है, और इसी तरह दूसरी स्लीव भी हमें जोड़ लेना है। और आप देख सकते हैं कि ये जो जोड़ हमने लगाया था स्लीव में वो भी पीछे की तरफ आया है, और मैंने यहाँ पे स्लीव की बॉटम भी फोल्ड कर ली है। अब हम इसमें फिटिंग के निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे स्लीव की बॉटम 11 इंच की है, तो इसका आधा मैंने लिया है, 5.5 इंच पर मैंने निशान लगाया है, और फिर इसे कुर्ते पे जो निशान लगाए थे उससे मिला देना है। तो इस तरह से मैंने इसको लाइन खींचकर मिला दिया है, और इसी निशान पर हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो एक सिलाई हम निशान पर लगाएंगे, और इस तरह से ये जो हिप लाइन थी यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे,
और फिर सिलाई को वापस हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे और फिर हम थोड़ा सा बाजू से सिलाई लगाएंगे, जिससे कि हमें कभी कुर्ती थोड़ा सा लूज करना हो तो हम इसे कर सकते हैं। अब इसी तरह से हमें दूसरी स्लीव में भी निशान लगा लेने हैं। तो मैंने यहाँ पे 5.5 इंच लेकर निशान लगा लिया है। अब हम बाकी के निशान भी लगाएंगे, क्योंकि एक साइड ही निशान लगे थे, क्योंकि इसका जो फ्रंट पार्ट है वो मैंने अलग तरह से कट किया था, तो मैंने इसे दो बार फोल्ड करके रख लिया है। तो इस तरह से 4 लेयर में ये कपड़ा फोल्ड है, जैसा कि हम कट करते समय रखते हैं। अब हम ऊपर के 2 पार्ट उठाएंगे और तीसरे पार्ट पे हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो हिप के, कमर के, अपर चेस्ट के और ये जो बस्ट है उसके हमें निशान लगा लेना है और फिर लाइन खींचकर इन्हें मिला देना है। और फिर इस पर भी हमें उसी तरह से सिलाई लगाना है जैसे कि हमने एक साइड लगाई। तो मैं यहाँ स्लीव से मिलाते हुए सिलाई लेकर आऊंगी और फिर नीचे थोड़ा सा हमें जहाँ पे हमारा स्लिट बनेगा वहां से हमें इसको थोड़ा सा लॉक कर देना है और फिर ऊपर हमें सिलाई ले जाते हुए बॉटम पे एंड कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है और ये 2 सिलाई मैंने लगाई है और नीचे मैंने यहाँ पे डबल सिलाई फेरते हुए इसे लॉक कर दिया है। अब हम इसकी स्लिट बनाएंगे। तो हम यहाँ पे 1/2 इंच 2 बार में फोल्ड करते हुए स्लिट बनाएंगे। तो यहाँ पे ऊपर साइड मार्जिन थोड़ा सा ज्यादा है तो इसे हम थोड़ा सा कम कर लेंगे, क्योंकि हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था तो 2 इंच की जरूरत वैसे नहीं रहती है इसमें। तो पहले ही आप चाहें तो इसको कम ले सकते हैं, सिर्फ 1 इंच की जरूरत होती है। तो मैंने इसे 1 इंच का कर लिया है और फिर इसे इस तरह से 1-1 इंच का कपड़ा फोल्ड करते हुए रखा है। तो यदि आपको स्लिट बनाने में प्रॉब्लम होती है तो आप इस तरह से रखकर आप पहले प्रेस कर लें और जो 1 इंच फोल्ड किया है उसको 1/2 इंच अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इस तरह से सेट कर लें और फिर इस पे प्रेस कर लें, या फिर इस पे चाहे तो सेफ्टी पिन भी लगा सकते हैं। इस तरह से यदि आप स्लिट बनाते हैं तो बहुत ही अच्छी तरह से स्लिट बन जाती है। अब हम इसमें एक तरफ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और ऊपर की तरफ इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे जहाँ पे मैंने चौक के निशान लगाए और फिर दूसरी तरफ ले जाके इसमें एंड कर देंगे। तो सिलाई लगाने से पहले चाहे तो इसमें सेफ्टी पिन लगा सकते हैं ताकि ये फोल्ड खोलेगा नहीं, और जो ऊपर साइड मार्जिन है उसको अच्छी तरह से हमें खोलकर इस तरह से स्लिट बनानी है ताकि पीछे से भी अच्छा दिखे, क्योंकि सीधे साइड कपड़ा अच्छी तरह से खुल नहीं पाता है और हम इसी तरह से इसमें सिलाई लगा देते हैं और बाद में वो बहुत गंदा दिखता है। तो इस तरह से बराबर से आप इसको पहले फोल्ड खोल लें ऊपर की तरफ, पीछे भी चेक कर लें कि बराबर से खुला है कि नहीं, उसके बाद ही स्लिट पे सिलाई लगाएं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दोनों साइड की स्लिट बना ली है। अब हमें नीचे साइड भी थोड़ा सा इसे मोड़ना है तो इसे भी हम स्लिट की तरह ही फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे मैं 1/2 इंच का कपड़ा 2 बार में फोल्ड करूंगी और फिर इन पे भी सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों पार्ट्स में सिलाई लगा ली है। अब हम बिल्कुल किनारे से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और फिर पूरे घेरे में सिलाई लगाने के बाद वापस आकर वहीं पे हम इसे एंड कर देंगे। आप देख सकते हैं मैंने पूरे घेरे पे किनारे से सिलाई लगा ली है। तो इस तरह से ये कुर्ता सिल गया है। अब इसमें हमें हाथ का काम करना बाकी है। तो अब हम यहाँ पे गले में हेमिंग कर देंगे और जो सिलाई हमने लगाई थी बड़े टांके की उसे खोल देंगे। तो अब ऊपर वाली प्लेकेट पे कांच के निशान लगा लेने हैं। तो मैंने यहाँ पे 2.5 इंच के डिस्टेंस से कांच के निशान लगा लिए हैं और वही निशान हम नीचे वाली पट्टी पे भी लगा लेंगे। तो उसमें हम बटन लगाएंगे। तो इस तरह से दोनों पट्टी पे बिल्कुल बराबर से निशान लगाना है। तो देखिए अब मैंने इसमें कांच कर लिए हैं और यहाँ पे ये लकड़ी के 3 बटन भी लगा दिए हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं।